स्वामी विवेकानंद को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है और इसलिए आपने अक्सर स्कूलों या सरकारी दफ्तरों में विवेकानंद जी की तस्वीरें देखी होंगी। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 7-8% इस्तेमाल किया था, जबकि विवेकानंद 13% तक अपने दिमाग को इस्तेमाल करने में सक्षम थे। वैसे तो दिमागों की तुलना उनके उपयोग प्रतिशत में करना गलत है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार किसी के दिमाग की कार्य प्रतिशत की गणना करना संभव नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति की सोच, विचार और कार्य कर सकने की क्षमता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, और निसंदेह विवेकानंद भी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो तो दुर्भाग्य है भारत के फिल्म जगत का, जो ऐसे आदर्शों के जीवन पर कार्य नहीं करते, और सिर्फ इसलिए आज हम आइंस्टाइन को ज्यादा और विवेकानंद जैसे गुरुओं को कम जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ही दौर के हैं। नरेन जी आइंस्टाइन से 16 साल बड़े थे। नरेन को बचपन से ही वेद पुराण योग का अध्ययन करने में बड़ी रुचि थी, इसलिए वह बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। कहते हैं उनमें ध्यान करने की इतनी अविश्वसनीय काबिलियत थी कि वह ध्यान करते करते मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाते थे। कहते हैं कि वह ध्यान में समय की यात्रा कर सकते थे, यहाँ तक कि उन्होंने भारत के आजाद होने का वर्ष 50 साल पहले ही बता दिया था, और अंग्रेज भारत का पूरा कीमती धन अपने साथ ले जाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक दिन जब अंग्रेजों को भारत के योग तथा वेदों में लिखी बातों का ज्ञान होगा, तो वही अंग्रेज भारत का धन वापस भी लाएंगे। स्वामी जी का लक्ष्य वेदांतों को पूरी दुनिया में प्रचलित करना था। वह जानते थे कि वेदों में लिखी हर बात का कुछ न कुछ आधार है, और अच्छे जीवन के लिए हर मनुष्य को इसकी समझ होना जरूरी है। स्वामी जी के वेदों के अध्ययन के दिनों निकोला टेस्ला नामक एक अमेरिकन साइंटिस्ट एनर्जी और मैटर के बीच एक गणित का संबंध खोजने में जुटे थे। ये खबर सुनने पर स्वामी जी ने टेस्ला से मिलने की इच्छा जाहिर करी। उन्होंने एनर्जी को संस्कृत के शब्द प्राण से जोड़ा तथा मैटर को आकाश से। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ला इन दोनों के बीच गणित का कोई संबंध खोज सकते हैं, तो वेदों में लिखी बातों को एक पुख्ता आधार मिल जाएगा। लेकिन 10 साल के कड़े शोध के बावजूद भी निकोला टेस्ला ऐसा करने में असमर्थ रहे, जिस कारण स्वामी जी भी इस विचार से काफी आगे निकल गए। और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक शोध पत्र में जारी किया, जिसमें एनर्जी मास को E=mc² के जरिए जोड़ा जा सकता था। इस समीकरण को आज हम इक्वेशन ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि यही समीकरण हमें वेदों में भी मिलता है, लेकिन प्राण और आकाश के बीच। स्वामी विवेकानंद जी को उनकी याद रखने की प्रबल शक्ति से भी जाना जाता है। वे पुस्तकालय से कई सारी पुस्तकें एक साथ ले लिया करते थे और अगले दिन ही उन्हें लौटा दिया करते थे। एक बार लाइब्रेरियन को शक हुआ तो स्वामी जी से पूछ पड़े कि आप इन किताबों के साथ करते क्या हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं इन्हें पूरे ध्यान से पढ़ता हूँ। लाइब्रेरियन ने उनसे एक पुस्तक खोलकर एक पृष्ठ से कुछ सवाल किया। इस पर स्वामी जी ने बिना रुके पृष्ठ संख्या के साथ उस पृष्ठ में लिखी कुछ पंक्तियां लाइब्रेरियन को सुना दी। ये स्वामी जी की ध्यान की विद्या को भी दर्शाता है। शिक्षा में स्वामी एक सामान्य विद्यार्थी थे। वे अंक प्राप्ति पर ध्यान नहीं देते थे, उनका उद्देश्य केवल सीखना होता था, और शायद इसीलिए स्वामी जी BA में सिर्फ 56% ही ला पाए थे। उनके घरेलू हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। कभी कभी तो खाना पूरा ना होने जैसी समस्या भी खड़ी हो जाती थी। तो नरेन अक्सर अपनी माँ से झूठ बोल लिया करते थे कि आज वह अपने मित्र के यहाँ भोजन कर लेंगे, और ऐसे वह पूरे पूरे दिन बिना खाए ही बिता लिया करते थे। और इस पर उनके अपने लेखों में कहना था कि यह सब बताने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। उनका यह आचरण उनकी उदारता को दर्शाता है। BA की डिग्री होने के बावजूद भी स्वामी को दर दर जाकर नौकरी की तलाश करनी पड़ी। वे लोगों को बताते कि वह बेरोजगार हैं, उन्हें काम की तलाश है, लेकिन बहुत खोजबीन के बावजूद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, और धीरे धीरे उनका भगवान से भरोसा खत्म होने लगा। विवेकानंद का असली नाम वीरेश्वरा था, जो कि उनकी माँ ने रखा था। बाद में उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाने लगा। वेदों व योग के अध्ययन करते दौरान उन्हें लगा कि ध्यान से कुछ भी संभव है। ध्यान से हम आने वाले कल तथा चल रहे समय के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। धीरे धीरे वे एक साधु बन गए और उन्हें विवेकानंद नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं उन्होंने ध्यान विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली थी, वे चल रहे समय के बारे में कुछ भी बता सकते थे। एक कहानी के अनुसार एक बार एक ग्वाले की गाय जंगल में कहीं गुम हो गई। वह स्वामी जी के पास अपनी समस्या लेकर आया। स्वामी जी ने ग्वाले से सिर्फ इतना पूछा कि उसने अपनी गाय को आखिरी समय कहाँ देखा था। इसके बाद स्वामी जी अपनी ध्यान मुद्रा में चले गए। उन्होंने गणना करके पता लगा लिया कि वह गाय अभी किस जगह पर होगी। ग्वाले को अपनी गाय मिल गई।
स्वामी जी अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हम कोई भी काम करें, हमें उसका कारण पता होना चाहिए, फिर वो चाहे बिल्ली का रास्ता काटना ही क्यों ना हो। लोग उन्हें चमत्कारी कहते थे। इस पर वह लोगों को सिर्फ इतना कहते थे कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। भगवान आपके अंदर ही है। स्वामी जी के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि लोग एक पल के लिए अपने कानों को उनके विचारों से दूर नहीं कर पाते थे। वह अक्सर कहते थे कि इंसान को कभी भी अपने शरीर पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। उन्होंने ऐसा कई बार किया, जिसका परिणाम यह है कि जीवन के अच्छे दिनों में उनका शरीर बर्बाद हो चुका था। स्वामी जी को पूरे 31 रोग थे। उनके शरीर का लगभग हर अंग जवाब दे चुका था, लेकिन ऐसा सिर्फ कहा जाता है, जबकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। स्वामी जी ने कई वर्ष पहले ही गणना कर ली थी कि उनकी मृत्यु 40वें वर्ष में होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन 40वें वर्ष में उन्होंने ध्यान की मुद्रा में समाधि ले ली। आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो स्वामी जी के जीवन से जुड़ी कई कहानियां आपको हैरान करेंगी। आज भी हिंदुस्तान में उनके द्वारा लिखे विचार गूगल में भारी मात्रा में ढूंढे जाते हैं और ढूंढे जाते रहेंगे, क्योंकि ऐसी हस्तियों के विचार ही इन्हें हमेशा अमर रखते हैं। धन्यवाद।